हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना। आज हम बना रहे हैं चिकन मसाला मैगी। तो उसके लिए हमें चाहिए चिकन, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज। तो अब हम लेंगे एक टेबलस्पून ऑयल, एक टेबलस्पून बटर, एक कटी हुई प्याज, एक कटा हुआ टमाटर, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम डालेंगे 300 ग्राम कटे हुए चिकन, नमक स्वाद अनुसार। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लें। और अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से पकाने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हमारा चिकन पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैगी। इसमें डालेंगे मैगी मसाला। मैगी को 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब हमारा मैगी पक चुका है। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप भी ये चिकन मसाला मैगी ट्राई कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये मैगी कैसा लगा।